तो दोस्तों, बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान सर की मच अवेटेड फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई, जिसका इंतजार सलमान खान सर के फैंस काफी बेसब्री से कर रहे हैं और उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि ये फिल्म 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाएगी। इस फिल्म के टीजर और इस फिल्म के पोस्टर को लेकर दोस्तों कुछ अपडेट निकल कर आई है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सुपरस्टार सलमान खान सर के डाहट फैंस है और उनकी फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, प्रभु देवा के डायरेक्शन में बनने वाली यूनिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है राधे और मोस्ट वांटेड भाई, जिसके लीड में आपको बॉक्स ऑफिस के भाईजान यानी कि सुपरस्टार सलमान खान, दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ और कई सारे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को दोस्तों सलमान खान फिल्म्स और अतुल अग्निहोत्री ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, जिसका बजट है लगभग 180 करोड़ रुपए का और यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। बताते चले दोस्तों आपको कि प्रभु देवा के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म का एक्शन अलग ही लेवल का होने वाला है, जिसमें सुपरस्टार सलमान खान यूनिक एक्शन करेंगे और उनके एक्शन को देखने के बाद आपको यह फिल्म उनके कैरियर की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म नजर आएगी। दोस्तों, इस फिल्म के सामने जॉन अब्राहम की मच अवेटेड फिल्म सत्यमेव जयते 2 भी रिलीज होने वाली है। लेकिन अगर बात करें हम लोग यहां पर राधे और मोस्ट वांटेड भाई की, तो दोस्तों सलमान खान की अब तक जितनी भी फिल्में ईद पर रिलीज हुई है, उन फिल्मों ने 150 से 200 करोड़ रुपए की कमाई आसानी से कर ली है और अगर ऑडियंस को वो फिल्में पसंद आई है तो इन फिल्मों ने 300 करोड़ का भी पार कर दिया है। और इस बार दोस्तों सलमान खान कुछ अलग हटकर स्टोरी ला रहे हैं और इस फिल्म में एक्शन भी लाजवाब होने वाला है। इसी वजह से दोस्तों राधे और मोस्ट वांटेड भाई भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड्स बना सकती है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म के टीजर और पोस्टर को लेकर जो अपडेट्स निकल कर आई है वो ये है कि सलमान खान सर की इस फिल्म का जो टीजर है वो आपको 2 अप्रैल को यानी कि गुड फ्राइडे के दिन रिलीज होने वाली फिल्म के साथ देखने को मिलने वाला है और साथ ही में इस फिल्म का जो पोस्टर है वो इस महीने की 20 तारीख के बाद से ऑफिशियल तौर पर रिलीज होने वाला है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म का जो पहला पोस्टर रहेगा उसमें सुपरस्टार सलमान खान सर के लुक्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे और इन पोस्टर्स को देखने के बाद ही दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बज बना लेगी और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। इस फिल्म को दोस्तों हिट होने के लिए लगभग 240 करोड़ रुपए चाहिए और सुपरस्टार सलमान खान सर की इस फिल्म का जिस तरह से बज बना हुआ है उस हिसाब से ये फिल्म अपने पहले ही दिन 35 से 40 करोड़ की ओपनिंग लेगी और लाइफ टाइम में 250 से 300 करोड़ रुपए कमा लेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, सलमान खान सर की इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की ओपनिंग मिलेगी और इस फिल्म का लाइफ टाइम कितना होगा? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।